हेलो एंड वालेकुम कैसे हैं आप सब आज मैं डिटॉक्स डाइट प्लान लेके आई हूँ विंटर और समर में बहुत इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट डाइट प्लान जिसमें बहुत जल्दी वेट लॉस होता है और पर्मांट वेट लॉस होता है सो एवरी डे यूर गोना लूज वन के जी सो दस दिन अगर फॉलो करेंगे तो दस के जी तक वेट लॉस होगा सो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम सबसे पहले आपने एक कप में एक कप पानी लेना है पैन के अंदर और जब ये हल्का सा वार्म होगा उसके अंदर हमने दार चीनी का आधा इंच का टुकड़ा डाल देना और इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं ना ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ये टी शेयर कर रही करूँ पहले मैंने नहीं की बहुत ज़बरदस्त टी है एक कप पानी चाहिए हमें आधा इंच का टुकड़ा दार चीनी का एक लेमन चाहिए उसको काटना हमने छिलके के समेत जैसे मैं काट रही हूँ अदरक का टुकड़ा आप देख रहे हैं आप चाहें तो इतना साइज़ भी ले सकते हैं और चाहे तो आधा भी ले सकते हैं मतलब एक टेबल स्पून तक अदरक आपको चाहिए ये सब चीज़ें हम मिक्स करें इसके अलावा हमें चाहिए काली मिर्च जो कि हम सिर्फ दो चुटकी डालेंगे बस ये इंग्रेडिएंट्स है इसके अच्छा काली मिर्च के बाद में इसको हल्का सा हम सिमर करेंगे बिल्कुल हल्का सा बहुत ज़्यादा के नहीं करना क्योंकि इसमें लेमन डाला है ना हमने छिलके से तो बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है इसको और ये देखें हल्का सा उबाल है और मैंने इसको बंद कर दिया इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं ना सिर्फ ये टॉक्सिक ड्रिंक है मतलब हमारे बॉडी से जो टॉक्सिक जो है ना वेस्ट उसको डिटॉक्स करता है बल्कि वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है स्पेशली बेली फैट ख़त्म करता है बहुत जल्दी आप इंच लॉस देखेंगे बहुत जल्दी इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्लो करता है ख़त्म करता है इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करता है हमारे हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा है दिमाग के लिए इन्फ्लमेशन के लिए और जो मेस्ट्रोल क्रैप्स बन रहे होते हैं ना हमारे जो डेज में उसको ख़त्म करता है ये सो so, आप इसको बिलाज यूज़ कर सकते हो एम्प्टी एम्टिस्टमिक भी और इवनिंग में भी किसी भी टाइम एक टाइम लेकिन दिन में दो टाइम नहीं हनी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आधा आधा टी स्पून में दो कतरे आपने देखा मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है इसलिए क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉग ड्रिंक है तो हनी जो है ना वो थोड़ा से तासीर को ठंडा कर देगा और इसके नतज बहुत ज़बरदा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा आठ बजे हम नाश्ता करेंगे और नाश्ते में बीट रूट की रोटी मैं बता रही बीट रूट जो है ना चुकंदर आपको पता है बहुत ज़बरदस्त है डिटॉक्स के लिए और दिस इज़ द बेस्ट वे इससे डिटॉक्स बहुत जल्दी होगा बीट रूट की रोटी की जो रेसिपी है ना वो, आ, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों को लिंक में आ, जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी बीट रूट की जो रेसिपी है ना उसका अगर रोटी नहीं खानी तो आप डिटॉक्स स्मूदी बना लें क्योंकि ये विंटर का है ना सीज़न का वैसे विंटर समर किसी पे भी आप फ़ॉलो कर सकते हो बट अगर विंटर में करना है तो बीट रूट की रोटी बहुत ज़बरदस्त है पराठा बना लें थोड़ा सा देसी घी लगा के अगर आप समर में कर रहे हो फॉलो या स्प्रिंग किसी भी सीज़न में तो आप स्मूदी बना लें बेरीज़ की तो बेरीज़ आपने देखा मैंने एक कप जो है वो लो फैट दूध लिया है उसमें ब्लू बेरीज़ हैं थोड़ी सी और दो चार मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डाली हैं बस ये दो चीज़ें इनको ऐड कर लिए अच्छे से छिया सीट दो टेबल स्पून मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे बस इसको थोड़ा सा गार्निश करें जो भी सीजनल फ्रूट है उसके साथ मैंने अनार डाला तो ये इतना मज़े का लगता है शुगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस पर और ये बहुत अच्छा डीटॉक्स ड्रिंक है दोपहर के टाइम जो स्नैक लेंगे ना हम वो ट्रेल मिक्स होगा ट्रेल मिक्स मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी को बहुत डिटॉक्स करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सो मिक्स ड्राई फ्रूट जो भी मिल जाए आप एक मुट्ठी ले लें ले, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन्हें चने ले लें बिना नमक के और छिलके समेत खाने लंच करेंगे हम डेढ़ या दो बजे और लंच में आज मैं इतना मज़े का सैलड बना रही हूँ ना ये इटालियन सैलड है काइंड ऑफ इटालियन सैलड और लेकिन मैंने अपनी रेसिपी तैयार की है क्योंकि डिटॉक्स है सारा डाइट प्लान तो उसी हिसाब से मैंने किया है इन चीज़ों से आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा तो पूरे दिन का जो भी खाना है ना आपने सुबह से रात तक वो आपने लाजमी कोई इधर उधर नहीं करनी रेसिपी सारी वही चीज़ें खानी हैं जो मैं बता रही हूँ जितनी भी रेसिपीज़ बता रही हूँ ना तो ये ये अफोर्डेबल है कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है इसमें हाँ स्मूदी का थोड़ा सा बेरीज का इशू होगा लेकिन आप उसको ना खाइए आप उसकी जगह चुकंदर की रोटी बना सकते हैं वो तो बहुत ईज़िली अफोर्डेबल है यहाँ पे मैं सैलड बना रही हूँ डिटॉक्स सैलड इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी बल्कि आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त होगी इससे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी हैं ये जितनी भी रेसिपीज़ बता रही हूँ ना मैं ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त आप सिर्फ दस दिन के लिए ट्राई करके देखें या एटलीस्ट अ वीक आप लोगों को बहुत फ़र्क नज़र आएगा काजे चने मैंने लिए यहाँ पर खीरा प्याज टमाटर और ऑलिव ऑयल मैं बिल्कुल हल्का सा डाल रही हूँ इसके अंदर सो ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून सो ऑलिव ऑयल मैंने हल्का सा इसके अंदर ऐड किया साथ में मैं डाल रही हूँ काली मिर्च और पिंक सॉल्ट और उसके ऊपर मैं स्क्वीज़ कर दूँगी पूरा लेमन बड़े वाला लेमन है मेरे पास बिग साइज़ के जो लेमन होते हैं ना वो आप चाहें तो लाइम भी यूज़ कर सकते हैं जो ग्रीन वाला होता है मैंने येलो वाला लेमन यूज़ किया लेकिन बड़े वाला था मेरे पास तो मैंने पूरा स्क्वीज़ कर दिया इसके ऊपर तकरीबन तो आधा कप बना था वो लेमन जूस इतना मज़े का सैरड लगता है इतना मज़ा आता हाँ सबसे से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर जाएगी ना और ट्विस्ट है थोड़ा सा वो है गार्लिक मतलब लहसन का एक जवा सिर्फ एक पीस लिया है मैंने लहसन का और इसको क्रश करके ना बिल्कुल छोटी छोटी ये देखी मैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीस ताकि मुँह में आए तो वो अजीब सा टेस्ट ना आए गार्लिक जो है ना इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं लहसन आपको पता है जब भी पेट का को कोई प्रॉब्लम हो ना तो बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि एक मनिहार मुंह गार्लिक का या लहसन का एक जब आप मुंह में चबा लें आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे सो so, आप इसलिए मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करेगा हमारी बॉडी को लीवर को इसके अलावा ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है नेल्स के लिए बड़ा अच्छा है इसके ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ब्लड प्रेशर के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए डायबिटीज़ के लिए चलते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ इवनिंग में हम पियेंगे शाम की चाय में सिर्फ ग्रीन टी अच्छा मुझसे एक सिस्टर पूछ रही थी कि आप ये बताएं कि ग्रीन टी खाने के फ़ौन बाद पी सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये सुना है कि काफ़ी लोगों से कि ग्रीन टी खाने के फ़ौन बाद नहीं पीनी चाहिए तो मेरा जवाब ये होगा पहले में मैं काफ़ी बार ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि ग्रीन टी हो चाहे कोई भी चाय हो आपने खाने के फ़ौन बाद नहीं पीनी उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है जो भी हम खा रहे होते हैं ना और इसके अलावा हमारा पेट भरना शुरू हो जाता है जो खाने के पाँच दस या पंद्रह मिनट के लाजमी इतना गैप नहीं और उसके बाद आप चाय या टी पिए चलो इवनिंग स्नैक हो गया अब हम चलते हैं रात के खाने की तरफ़ मेरा जो कैबेज सूप की रेसिपी है ना उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है एक कमेंट तो मैं शेयर कर चुकी हूँ एक सिस्टर का और ये आपको रेसिपी भी नज़र आ रही है थंबनेल मैंने जो है वो ऊपर लगा दिया आपको नज़र आ जाएगा मेरे चैनल पे कैबिट सूप बहुत आसान रेसिपी है आप इसको ट्राई कीजिएगा ये इसमें बंद गोभी है जो कि बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसका मेन इंग्रेडिएंट है और इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है बहुत जल्दी सो डिनर हो गया हमारा बहुत लाइट से डिनर करना है इसके अलावा कुछ नहीं खाना आपको बेड टाइम ड्रिंक जब भी आपने सोना है ना कोशिश करें जल्दी सोएं तो हल्दी वाला दूध पिए हल्दी वाला दूध जो है ना इससे अच्छा कोई डिटॉक्स हो ही नहीं सकता हमारा देसी टोटका है वैसे भी अच्छी नींद आती है इससे इम्यूनिटी बूस्टर है हमारी स्किन अच्छी करता है बाल गिरना बंद हो जाते हैं इससे इसके अलावा ये डायबिटीज़ हार्ट डिज़ीज़ कैंसर के रिस्क को कम करता है और जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म करता है ये सो दिस इज़ द बेस्ट ड्रिंक कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए पूरे दिन में हार्ड एक्सरसाइज आपको रिकमेंड नहीं करूँगी मैं सिर्फ आपने तेज तेज चलना है पंद्रह मिनट दैट्स इट कितना ईजी डाइट प्लान है ना और कोई एक्सरसाइज भी नहीं है कितने मज़े है ना घर के अंदर वॉक कर लें या घर से बाहर और आठ बजे सो जाना आपने नो ईटिंग आफ्टर एट पी एम स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी कीप स्मिंग एंड लव योर सेल्फ हैप्पी न्यू ईयर अपना बहुत ख्याल रखें दो में याद रखें लव